Hello and welcome back to the channel. This is Abhinav. In this video we are going to talk about the problem B of code forces around 739. तो इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ n पीपल दिए गए हैं जो कि एक राउंड टेबल में बैठे हुए हैं. आपको n की वैल्यू नहीं पता होगी और n इवन होगा इतना पता है, ठीक है. आपको कोई दो पेयर दे दिए होंगे, ऐसे लोग जो आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक. आपको उनका नंबर पता होगा, आपको एक तीसरा बंदा पता होगा, आपको उसके सामने कौन बैठा है ये पता लगाना है, ठीक है. इतना सा है. तो ये तो बहुत ही मतलब एक चीज में आप समझ में आ रही होगी, जब यहाँ पे n लोग बैठे हुए हैं तो जो डिफरेंस आ रहा है आमने सामने बैठने वाले, वो n बाय टू का आ रहा है. जैसे यहाँ छह लोग बैठे हुए हैं तो देखो 1 और 4 का डिफरेंस 3 आ रहा है, 2 और 5 का डिफरेंस 3 आ रहा है, 3 और 6 का डिफरेंस 3 आ रहा है, मतलब n बाय टू का डिफरेंस आ रहा है. तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया. पर इसमें एक और लॉजिक आपको पकड़ना था कि जब यहाँ पे n बाय टू का डिफरेंस आ रहा है, मान लो कि आपको दिया है 4 और 5 को दिया कि आपने का डिफरेंस 3 आ रहा है, मतलब टोटल यहाँ पे 6 लोग होंगे, ठीक है. तो कोई भी नंबर 6 से बड़ा नहीं हो सकता है. अगर ऐसा होगा तो फिर सर्कल पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर आप -1 आउटपुट दे देंगे. जैसे कि आप देखिए यहाँ पर कि आप यहाँ देख सकते हैं जो 3-2 है, जो 3 और 2 का डिफरेंस है वो है 1, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस है 1. तो दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 1 है तो जो टोटल नंबर ऑफ पीपल होंगे वो होंगे 2. तो ये 3 थर्ड कहाँ से आ गया, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो यहाँ पर -1 देखो हम लोगों ने आउटपुट दे दिया. इसी तरीके आप यहाँ देखिए 6-2 और 4, तो 6 और 2 का डिफरेंस आया, 6 और 2 का डिफरेंस आया 4. तो 4 का जो डबल हुआ 2 × 4 हुआ 8, मतलब 8 पीपल है टोटल. तो 4 के सामने कौन होगा, 8 होगा. 8 यहाँ लोग दे दिया आउटपुट, ठीक है. तो इस तरीके से हमें निकालना है. तो जब मैं कोड देखी सीधे सीधे, इसमें आपको ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, तो आप कोड में देख सकते. मैंने तो पहले ये चेक कर लिया कि क्या, पहले तो मैंने n की वैल्यू निकाल लिया, मतलब कितने लोग हैं, डिफरेंस निकाला और उसको × 2 कर दिया. तो मैंने n पता लिया कितने लोग हैं वहां पर, ठीक है. अब मैंने ये देखा है कि n में से कोई भी नंबर जो मुझे दिए गए हैं a b और c, क्या उनमें से कोई भी n से बड़ा तो नहीं है. अगर बड़ा होगा तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है, -1 आएगा आउटपुट. और फिर मैं क्या करूंगा, मैं या तो c+r थर्ड नंबर में, या तो भाई जो c के अलावा जो दूसरा नंबर होगा उसके सामने बैठा होगा, या तो c-r होगा या तो c+r होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, r होना चाहिए. या तो वो c+r होगा तो c-r होगा. मैं दोनों से चेक कर लूंगा कि क्या वो c+r है या वो c-r है. मैं दोनों को चेक करके जो भी दोनों में से होगा प्रिंट कर दूंगा. अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो मैं फिर से -1 प्रिंट कर दूंगा. ऐसा लॉजिक ही छोटा सा है इसका सॉल्यूशन है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अभी भी अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम में आके आप पूछ सकते हैं. साथ में आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आके भी आप पूछ सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू लाइक इट. Please like, share, subscribe.